हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, एब्सोल्यूट गेज एंड वैक्यूम प्रेशर, प्रॉब्लम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, पास्कल्स लॉ एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ। जो प्रेशर है वो बेसिकली कंसिडर होता है इन केस ऑफ स्टेशनरी फ्लूड। तो जो स्टेशनरी फ्लूड होता है उसमें केवल क्या होता है, नॉर्मल फोर्सेस। जैसे कि हमको पता है फ्लूड एलिमेंट पे आपने लगाया टेंजेंशियल फोर्स तो वो फ्लो करता है। अगर वो फ्लो नहीं कर रहा है इट मींस आपके फ्लूड एलिमेंट पे केवल क्या है, नॉर्मल फोर्सेस। तो जो नॉर्मल फोर्सेस पर यूनिट एरिया है उसी को हमने क्या बोला है, प्रेशर। प्रेशर जनरेट कैसे हुआ मैं सबसे पहले आपको यही समझाने वाला हूँ, जो नॉर्मल किसी भी बुक में आपको गिवन नहीं होता है। जैसे कि कोई डैम है, ठीक है, अब डैम में जो है आपका वाटर फिल्ड है, डैम में आपका वाटर फिल्ड है और हम मानते हैं कि ये कोई फ्लूड एलिमेंट है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो फ्री सरफेस से, जो वाटर का जो लेवल है उसको फ्री सरफेस बोलते हैं, वहां से एच है। तो अब इस फ्लूड एलिमेंट के ऊपर भी फ्लूड एलिमेंट्स होंगे बहुत सारे, जैसे कि एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये तीन तीतर के ऊपर तीन तीतर है। अब क्या होगा, इस एलिमेंट के ऊपर ये जो फ्लूड एलिमेंट्स हैं इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे इस फ्लूड एलिमेंट पे वर्क करेगा, ठीक है। इसीलिए जो प्रेशर है स्टैटिक फ्लूड में उसका फॉर्मूला होता है आपका पी इज इक्वल टू रो जी एच, क्योंकि प्रेशर आपका डिफाइंड होता है एट अ पॉइंट। इस फ्लूड एलिमेंट के ऊपर जितने भी फ्लूड एलिमेंट हैं उनका वेट कितना होगा, एम जी, और मास को हम कैसे लिख सकते हैं, मास है आपका रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। तो यहां से अगर आप देखिए तो ये क्या है, टोटल वेट जो एक्ट कर रहा है किस पे, इस फ्लूड एलिमेंट पे, किसका वेट, जितने भी ये एच हाइट तक की वजह से जो आपके फ्लूड एलिमेंट है उनका वेट। और अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट पे निकालना है तो फोर्स, इतना पूरा फोर्स हो गया उसको एरिया से डिवाइड कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, रो जी एच। जैसा कि हमने बताया था कि आपके स्टैटिक फ्लूड में जो प्रेशर की इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, रो जी एच। तो ये बहुत सिंपल है, ये जो फ्लूड एलिमेंट है वो क्या करेंगे, कंप्रेसिव नेचर होगा, कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमारे फ्लूड में किसी पॉइंट पे जितना भी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया उसी को हमने बोला है प्रेशर, और ये बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है। और कहां से आता है, जनरेट कैसे होता है, ये तो एक्सर्टेड बाय फ्लूड। इस फ्लूड के का जो सराउंडिंग फ्लूड है वो इस पे एक्सर्ट जो करता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया उसी को हमने बोला है प्रेशर। अब नेक्स्ट आगे समझ लेते हैं, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट मींस ये जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। आपने फ्लूड रीजन में आपने एक एलिमेंट्री एरिया लिया है dA, एंड सपोज कीजिए उस पे जो भी फोर्स लग रहा है सराउंडिंग फ्लूड की वजह से वो लग रहा है dF, ठीक है। तो ये dF है इस एंगल पे, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका नॉर्मल और एक होगा टेंजेंशियल। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है वही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रेशर के लिए। तो प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है ये भी समझ लेते हैं। तो प्रेशर जो है वो है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया और एक्सटर्नल फोर्स एट अ पॉइंट। और वही आपका जो स्ट्रेस है वो क्या है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। स्ट्रेस क्या होता है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यही डिफरेंस होता है किसमें, स्ट्रेस एंड प्रेशर में। प्रेशर आपका जो है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और आपका स्ट्रेस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। ये जो आपने dA एरिया कंसीडर किया है इस पर जो सराउंडिंग फ्लूड है वो फोर्स एग्जर्ट करेगा, और मान लीजिए जो dF इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एरिया dA इन नॉर्मल डायरेक्शन। जो भी नॉर्मल डायरेक्शन में इस फ्लूड पे फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है, आपकी dF। तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगी, dF बाय dA। तो जैसे कि हमको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट होता है आपका न्यूटन एंड एरिया का यूनिट होता है आपका मीटर स्क्वायर।
तो आपका प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, तो 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर की अदर यूनिट्स क्या होती हैं? तो एक आपकी होती है मेगा पास्कल। अगर पास्कल को आप 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा मेगा पास्कल। सो मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा किलो पास्कल, एंड इफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 9 से तब आपको मिलेगा 1 गीगा पास्कल। एक और यूनिट है, इसको बोलते हैं बार, जो है 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप एटमोस्फेरिक प्रेशर को देखें तो जो एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आती है वो है आपकी 101325 पास्कल, 1.01325 × 10 to the power 5 पास्कल। तो अगर आप डेसिमल की बात की क्वांटिटी को नेगलेक्ट कर दें तो जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो 10 to the power 5 पास्कल के बराबर है। तो इसीलिए एक यूनिट डेवलप हुई है जिसको बोलते हैं बार, जो 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आप किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको आप कंपेयर कर सकते हो एटमोस्फेरिक प्रेशर से, कि भाई ये जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर का कितना गुना ज्यादा है या फिर उससे कितना कम है। तो इसीलिए इस यूनिट को डेवलप किया गया। एक और यूनिट है, इसको बोलते हैं केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे कि 1 kg एंड g क्या है आपका एक्सेलरेशन, तो kg को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वेट हो जाएगा, ठीक है। तो 9.8 इज द वेट और वेट और द फोर्स, और फाइनली ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.98 बार के। सिमिलरली एक और यूनिट है जो है आपका PSI, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्विवेलेंट होता है 14.69 PSI। तो ये हैं आपके डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द प्रेशर। अब आगे समझ लेते हैं प्रेशर मेजरमेंट के लिए जो बेसिक्स हैं। ग्राफ है, इसमें ये जो आपका सबसे बॉटम लाइन है ये आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, यानी परफेक्ट वैक्यूम, कुछ भी ना हो तब जो प्रेशर होगा वो होगा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से डेवलप हुआ है, उसकी वैल्यू होती है PATM, जैसे कि हमने बात की थी 1 bar, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हमने इस ग्रीन लाइन से शो किया है। हमारे जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है या फिर कितना ज्यादा है। जैसे कि अगर प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस की बात करें तो सपोज करो ये वाली साइड है और यहाँ पर आपने प्रेशर को मेजर करना है जो आपका P, और दूसरी साइड उसकी एक्सपोज होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो आपका एटमॉस्फेयर है। तो दूसरी साइड पे जो वर्क कर रहा है प्रेशर वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो अब ये जो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस है डिवाइस है इसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा, या तो मूवमेंट होगा लीनियर या फिर कुछ डिफ्लेक्शन होगा। और वो क्यों होगा, जैसे कि आपको टग ऑफ वार याद होगा ना कि भाई दोनों एंड पे पुल कर रहे हैं, तो इसका जो मूवमेंट होगा सेंटर से जो आपकी रोप है उसका जो मूवमेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, फोर्स के जो भी फोर्स लग रहा है इस पे दोनों साइड से उसके डिफरेंस की वजह से मूवमेंट होगा। ऐसे ही आपका जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में जो भी आपका पार्ट है उसका जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, एक जो प्रेशर वर्क कर रहा है और दूसरी एंड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपकी जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हैं वो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं बताते हैं, वो आपको क्या बताते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है। तो सपोज कीजिए कि भाई आपके जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस ने प्रेशर मेजर किया वो बता रहा है कि वैल्यू है उसकी कितनी, 2 bar किसी पॉइंट पे प्रेशर किसी भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस ने बताया। अब वो जो 2 bar बता रहा है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर ये जो प्रेशर बताया है पी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2 bar ज्यादा है। तो जो डिवाइस ने बताया वो ये बताया बेसिकली आपको कि ये
इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2 बार ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखिए, अगर उस पॉइंट पे एक्चुअल प्रेशर कितना है, इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, तो वो कितना होगा, 2 बार प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट मींस 3 बार। तो यही बताया गया है कि यहाँ पर ये जो लिखा है वो यही लिखा हुआ है गेज प्रेशर। तो जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं गेज प्रेशर। अगर गेज प्रेशर की आप बात करोगे तो क्या होगा, पीजी ये जो 2 बार है वो क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर यानी जो 3 बार है हमारे एग्जाम्पल में, 3 बार माइनस एटमोस्फेरिक, इट मीन 2 बार। तो जो गेज प्रेशर होता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर में से अगर आप एटमोस्फेरिक प्रेशर को सबसेट कर दो तो वैल्यू आती है। तो आपकी जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है उसने ये गेज प्रेशर ही मेजर किया है 2 बार, इट मींस उस पॉइंट पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो 3 बार है और डिवाइस ने मेजर किया है 2 बार। सिमिलरली अगर किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम है, सपोज कीजिए यहाँ पर है, और किसी भी पॉइंट पे जो आपका प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है वो प्रेशर बता रहा है 0.5 बार, तो वो डिवाइस है वो ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 0.5 बार कम है, क्योंकि इसके एक एंड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है, दूसरे एंड पे ये वाला प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो वो डिवाइस बता रहा है कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, 0.5 बार कम है। तो अगर यहाँ पर हम एब्सोल्यूट प्रेशर निकालें कि एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, तो कितना होगा एब्सोल्यूट प्रेशर, ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालेंगे हम, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, माइनस ये प्रेशर जो डिवाइस ने बताया है, तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा इस पॉइंट पे, ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, इतनी वैल्यू, ये एब्सोल्यूट है, ये आपका प्रेशर जो बताया डिवाइस ने, जिसको हम वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं, पी वैक्यूम। तो इस तरीके से सिस्टम है। तो अगेन एक बार फिर से बता देते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब प्रेशर measured with respect to absolute vacuum, उसको बोलते हैं absolute pressure। तो गेज प्रेशर होता है जो मैकेनिकल डिवाइस ने प्रेशर की वैल्यू रीड करी है, और ये गेज जो प्रेशर होता है वो होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा। वैक्यूम प्रेशर भी क्या है, ये भी प्रेशर की वो वैल्यू है जो मैकेनिकल डिवाइस ने मेजर करी है, और ये वैल्यू जो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम होती है। अब एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं इस टॉपिक पे। तो प्रॉब्लम में बताया गया है कि ये आपका सिस्टम है, ठीक है, इसमें ये जो चैम्बर है इसमें प्रेशर को मेजर करना है, और आपके 2 गेजेस लगे हुए हैं, एक गेज लगा हुआ है G1 और एक गेज लगा है G2। इनकी जो रीडिंग है वो गिवन है, G1 की 5 बार है और G2 की जो रीडिंग है वो 1 बार है। अब कह रहा है कि जो प्रेशर P की वैल्यू है वो कितनी है बताइए। जो G2 गेज है वो बेसिकली क्या बताएगा कि इस चैम्बर में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, क्योंकि इस चैम्बर के बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर जो गेज है उसके एक एंड पे ये वाला प्रेशर लगा हुआ है PG2 और दूसरे एंड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये बताएगा कि जो PG2 प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है। तो PG2 का मतलब क्या है, उसने ये जो बताया है वो बताइए 1 बार। पर अगर एब्सोल्यूट बात करें तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, एब्सोल्यूट 0, ठीक है, एब्सोल्यूट 0, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और आपका जो डिवाइस है उसने बताया है कि यहाँ पर प्रेशर कितना है, 1 बार। तो अगर बात करें एब्सोल्यूट प्रेशर की तो क्या हो जाएगा, अगर आपको याद होगा तो एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू क्या है, ये है, मैं चेंज कर लेता हूँ मार्कर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर आपका ये है, जो क्या हो जाएगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो रीडिंग है गेज प्रेशर। तो PG2 एब्सोल्यूट वेयर हो जाएगा आपका 1 बार प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी आपका 1 बार है, इट मींस इस चैम्बर में जो प्रेशर है वो आपका 2 बार है इस चैम्बर में। अब ये जो G1 आपका गेज है वो क्या बताएगा, वो बता रहा है कि इस चैम्बर में जो प्रेशर है वो इस चैम्बर के मुकाबले कितना ज्यादा है। तो ये जो PG1 रीडिंग बता रहा है वो बता रहा है 5 बार, और 5 बार का मतलब इस चैम्बर में जो प्रेशर है इस चैम्बर के मुकाबले कितना ज्यादा है, क्योंकि इस गेज के एक एंड पे प्रेशर P लगा रहा है और दूसरे एंड पे
लगा हुआ इस चैम्बर का प्रेशर। तो इस चैम्बर का जो एक्चुअल प्रेशर है वो कितना है, 2 bar। तो इट मीन्स यहाँ पर जो एक्चुअल प्रेशर है PG2 absolute, तो क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट, हो जाएगा रीडिंग प्लस इस साइड का, इस गेज का एटमोस्फेयर का प्रेशर जो है आपका 2 bar। तो यहां से आपका आ जाएगा कि इस चैम्बर का जो प्रेशर है एक्चुअल एब्सोल्यूट प्रेशर है वो है आपका 7 bar। तो P है आपका 7 bar। अब डिस्कस करते हैं पास्कल लॉ। तो जैसे कि डैम का एग्जांपल था, बहुत सिंपल सा डैम है और डैम में आपका वाटर फिल्ड है, ठीक। यहाँ पे कोई एलिमेंट है और इस एलिमेंट के ऊपर जितनी भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने ग्रीन से शो करता हूँ, ये जो एलिमेंट है इसके ऊपर के जो भी एलिमेंट हैं इनकी जो ग्रेविटी होगी वो इस पे वर्टिकली एक्ट करेगी और उसकी वजह से इस पे एक प्रेशर एक्ट करेगा। तो पास्कल क्या बता रहे हैं कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो ये जो फ्लूड है ये क्या करेगा, इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो सारा प्रेशर क्या करेगा, ऑल डायरेक्शन में इक्वली इसके आसपास के जो सराउंडिंग के जो भी फ्लूड है उन सब में ट्रांसमिट कर देगा। तो हर डायरेक्शन में जो उसके सराउंडिंग फ्लूड है हर जगह क्या होगा, प्रेशर सेम ही होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे प्रेशर पी एक्ट किया और इसने क्या किया, उस प्रेशर की वजह से साइड डायरेक्शन में उसको ट्रांसमिट कर दिया। तो ये है इसका फिजिकल मीनिंग पास्कल लॉ का, प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूड। आप ध्यान रखिएगा स्टैटिक फ्लूड के लिए एप्लीकेबल है पास्कल लॉ। इस पॉइंट को आप जो है नोट कर लीजिए, ये जो पास्कल लॉ है वो केवल स्टैटिक फ्लूड के लिए एप्लीकेबल है। तो प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो इफ प्रेशर इज अप्लाइड एट अ पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूड देन इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, किसी पॉइंट पे आप अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो स्टैटिक फ्लूड में तो वो इक्वली सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाएगा। और इस प्रिंसिपल का यूज करते हुए डिफरेंट डिवाइसेस डिजाइन किए हुए हैं और उनमें से 2 एग्जाम्पल हैं आपके हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिस पर बहुत सारे डिवाइसेस वर्क करते हैं। तो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हाइड्रोलिक प्रेस का। ये हाइड्रोलिक प्रेस हैज अ रैम ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर। सिलिंडर शेप की रैम है और इस रैम का जो डायमीटर है ये 30 सेंटीमीटर है, ये डायमीटर इसको मान लेते हैं कैपिटल डी इज 30 सेंटीमीटर एंड अ प्लंजर ऑफ 4.5 सेंटीमीटर डायमीटर। ये प्लंजर है और इसका डायमीटर स्मॉल डी मान लेते हैं और स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है आपको 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वेट लिफ्टेड बाय द हाइड्रोलिक प्रेस व्हेन फोर्स अप्लाइड एट प्लंजर इज 500 न्यूटन। ये कह रहा है इस प्लंजर पे हमने जो फोर्स लगाया वो 500 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया, तो ये जो कितना वेट ये रैम जो है लिफ्ट कर सकती है उसकी वैल्यू निकालिए। तो हाइड्रोलिक प्रेस का मतलब क्या है बेसिकली, कि हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रिंसिपल्स का यूज करते हुए कम फोर्स लगा के ज्यादा आउटपुट ले रहे हैं, यानी ज्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हैं। और ये कैसे हो पाएगा, बाय द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। जैसे कि प्लंजर ने इस पे फोर्स लगाया और फोर्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे जो प्रेशर जनरेट हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में ये क्या कर देगा, फ्लूड में सभी डायरेक्शन में और पॉसिबल डायरेक्शन में उसको ट्रांसमिट कर देगा पास्कल की लॉ की वजह से। तो इस पॉइंट पे जो फ्लूड है, उस पे वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में भी उसने ट्रांसमिट कर दिया है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर जो फ्लूड है उस पे एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसने वर्टिकली अपवर्ड कर दिया। तो रैंप के नीचे जो फ्लूड है उस पे भी जो यहाँ की वजह से प्रेशर अप्लाइड हुआ था पूरे फ्लूड में प्रेशर जनरेट हो चुका है और ऑल डायरेक्शन में सेम है, तो इस पे जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में भी वही प्रेशर होगा जो यहाँ पर प्रेशर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फ्लूड स्टैटिक है तो हर जगह प्रेशर सेम है क्योंकि पास्कल लॉ की वजह से ये हो पाया है। तो होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे जो प्रेशर है सेम है, तो कितना था ये प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो प्लंजर का एरिया है आप स्मॉल ए मान लीजिए और सेम प्रेशर क्या है यहाँ पर है और वो क्या है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस रैम पे वो है डब्लू और रैम का एरिया है ए। तो आप यहाँ पर निकाल लीजिए कैपिटल ए आई रैम का एरिया पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर रैम का डायमीटर। ऐसे ही
स्मॉल ए क्या है, इस प्लंजर का एरिया पाई बाई फोर डी स्क्वायर। तो जब ये सॉल्व करेंगे हम बेसिकली, तो क्या होगा, सॉल्व करने के बाद हमको जैसे कि पता है स्मॉल ए पता है, तो हमारा जो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 314465 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर तो सेम है, जितना प्रेशर डाउनवर्ड है उतना ही प्रेशर अपवर्ड है, तो इट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए। ए हमको जैसे ही पता है तो यहाँ से हम डब्ल्यू निकाल लेंगे, यानी जितना वेट ये रैम लिफ्ट कर सकती है, और डब्ल्यू की आपकी वैल्यू हो जाएगी 22.22 किलोन्यूटन। आप देखिए पास्कल लॉ से कितना फायदा हो गया, केवल 500 न्यूटन का फोर्स लगा के हमने 22 किलोन्यूटन का वेट लिफ्ट कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी हम कम फोर्स लगा के चीजों को लिफ्ट कर सकते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी आपने देखा ही होगा। थैंक यू एवरीवन।